क्राइम अलर्ट, जुर्म की कहानी, खुद की जुबानी। तूने फिर से नींबू चुराया? टोना टोटका करेगी, हमको मारेगी चुड़ैल। इसको इतना मारो ना कि टोना टोटका करने का चूल छूट जाए। डायन हमारे बच्चों को खाएगी, मारो इसे। मारो, 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 मारो। मत हो माँ, बहुत दुख रहा है माँ, बहुत दुख रहा है दीदी। ये लो, बहुत दुख रहा है मुझे। माँ, माँ, खून निकल आया था माँ, लेकिन ना डॉक्टर के पास नहीं लेके गया मुझे। कहता मायके से पैसे लेके आओ, शादी के 4 साल हो गए, लेकिन मुझे हर रोज यही ताना सुनना पड़ता है कि तेरे बाप ने शादी में खर्चे नहीं किए। मम्मी, मुझे ऐसे मार नहीं खाना। तू चिंता मत कर, धूमधाम से करूंगी मैं तेरी शादी। देखना तेरे ससुराल वाले ना तुझे बहुत प्यार करेंगे, मान सम्मान देंगे तुझे। हाँ, कैसे करोगे मम्मी? इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगे? आएगा पैसा, आएगा। मैं सुनील की शादी किसी बड़े घराने में करूंगी और उनसे मदद मांगूंगी। 5 लाख रुपया नकद और 1 सोने के बिस्किट, कितनी मदद तो मिल ही जाएगी। मम्मी, भैया, मम्मी, मम्मी ये बिंदी है। बिंदी पहचो मम्मी के। कौन है ये और कहां से उठा के लाया इसे तू? मम्मी शांत हो जाओ, ये बहू है आपकी। मैं आपको सब बताता हूँ। मम्मी, अब मेरी शादी कैसे होगी? मैं शादी को नहीं मानती हूँ। चल चल, सुने तू अंदर चल मेरे साथ में। मम्मी चल, सुनो। मम्मी सुनो तो, अभी की अभी इस घर से बाहर निकाल, वरना मैं इसे धक्के मार के निकाल दूंगी। सुनील, मैं उसे बिल्कुल भी स्वीकार करने वाली नहीं, समझा ना तू? मम्मी एकदम सही कह रही है, वो यहाँ नहीं रह सकती। भैया ऐसे कैसे मान लेगी शादी हो गई? हाँ, ना कोई रस्म ना कोई रिवाज। तूने मेरी शादी देखी थी ना, शादियाँ ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती है। तू अभी के अभी इस लड़की को घर से बाहर निकाल। अरे मम्मी, इस दुनिया में कोई भी नहीं है बिंदी का। जैसे तैसे करके उसकी बड़ी बहन ने हम लोगों की शादी करवाई है। ये रस्म और रिवाज में खर्च करने के लिए ना पैसे नहीं थे उन लोगों के पास, और अगर मैं आपको बता देता तो आप मान जाती? आपको मनाने इतना टाइम नहीं था हमारे पास। बिंदी पहले से ही अपनी दीदी के ससुराल में रह रही थी, उसके ससुराल वाले उसको वहां रखना नहीं चाहते थे, कहां जाती बेचारी, इसलिए जल्दबाजी में हम लोगों को शादी करनी पड़ी। मम्मी मैं सच में बिंदी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। मम्मी बिंदी बहुत गरीब लड़की है, मैंने सिर्फ 1 मंगलसूत्र खरीद के उसे दिया है बस, बाकी जितने गहने उसने पहने हैं ना सब नकली है। सबका दिमाग ठंडा करता है ये नींबू का शरबत, जिसने भी पिया उसका दिल करता है खुशी से गदगद। माँ जी आप लीजिए।
तुम्हें इतनी हिम्मत कि तुम मेरे रसोई में गई? जी नुकसान का हुआ? मैंने तो आप सभी के लिए नींबू का शरबत बनाया। देखा, इतनी सी लड़की है पर जबान इतनी लंबी। पता भी है कि नींबू कितना महंगा है। चलो अपना बैग उठाओ और चलते बनो। चलो। अरे बस बहुत हो गया। कोई बिंदी को कुछ नहीं बोलेगा। अगर किसी को कुछ बोलना है तो मुझे बोलो। अब बिंदी इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अगर बिंदी इस घर में नहीं रहेगी ना तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैं बिंदी को लेकर शहर चला जाऊंगा हमेशा के लिए और इस गांव में कभी वापस नहीं आऊंगा। खाना पीना देखा नहीं कि लार टपकना शुरू हो गई। अरे जिंदगी में कभी शरबत पिया नहीं है क्या आपने? रखो इसे, रखो, जाओ यहां से। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं पी लेता हूं। लड़के का ना हूर ना परी, पता नहीं क्या जादू कर दिया इसने। कौन सा नींबू घुमाया ना इसने मेरे बेटे पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये है कि लट्टू होए जा रहा है उसके ऊपर। मम्मी तुम ना सही कह रही हो, जरूर इस लड़की ने ना भैया पे कोई वशीकरण किया है, वरना भैया बिना बोलते शादी कर दे क्या? बाप रे, मानना पड़ेगा उस लड़की को। चुटकियों में मेरे भाई को कब्जे में कर लिया और यहां मुझे देखो, आज भी लात खा रही हूं। मां मेरी शादी कैसे होगी? बेटे ने पसंद किया है तो मान भी लो ना। तुम चुप करो, जाओ यहां से, जाओ। और सुनील कमरे में लड़की को लेके गया सुहाग रात मनाने। ना मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मैं मसा चकाती हूँ। मैं मम्मी ने आज जो बर्ताव किया, सबसे पहले उसके लिए सॉरी। अरे सॉरी क्यों? माजी की बात भी सही थी, उनका गुस्सा होना सही था। पर तुम चिंता मत करो, मैं माजी को और सभी को जल्द ही मना लूंगी। मुझे पता है तुम सबको मना लोगी। डर लग रहा है? डरो मत, वो क्या है ना, मम्मी अभी गुस्सा है इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही थी। ना दिल की साफ है मम्मी, अभी उनका गुस्सा शांत हो जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? वो
नहीं सोऊंगी क्योंकि प्रिया दी आई हुई है तो कमरे में जगह नहीं है, तो मम्मी ने कहा कि यहीं पे सोना। रिंकी क्या है ये सब? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये कोई शहर का फ्लैट नहीं है कि घर में जगह नहीं है, गांव का घर है, इतनी सारी जगह बची है, जाओ जाके कहीं भी सो जाओ। भाई अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है ना तो जाके मम्मी से बात करो, ठीक है? मैं तो यहीं सोऊंगी। काम करो, यहाँ सो जाओ, मैं बाहर सो जाता हूँ। कहाँ हो तुम? जो काम तुमने जिंदगी में कभी नहीं किया वो करना है तुम्हें। हाँ हाँ कल ही आ जाओ। माँ जी मैं कुछ मदद कर दूँ? सुनो ये टोकरी लो और पीछे बगीचे में जाके नींबू तोड़ कर ले आओ, समझी? और सुन एक भी नींबू गिरना नहीं चाहिए, समझी ना? जा। एक तो नींबू हमें भी दे दो। हे भगवान, इस लड़की से तो एक काम ढंग से नहीं होता है। अरे तेरे स्वर्गीय माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया कि नहीं सिखाया? जल्दी कर, उठा जल्दी। उठ, छोड़ उसे, ला जा यहां से। पूरन है ये मेरा मुंह बोला भाई, बहुत दिनों बाद आया है। तुम्हें बहू बनने का बड़ा शौक है ना? तो करो इसकी खातिरदारी। पूरन यही तो है वो जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। बहुत शौक मिजाज के है ये दीदी, लेकिन तुम्हारा भाई इसी बला से कम नहीं है। इसे भगाने में बहुत मजा है। देखा सूखे में सावन बरस गई। मैं कुछ करूंगा नहीं, बस तू वापस चली जा। नहीं जाऊंगी मैं, क्यों जाऊं? मेरे पति का घर है। तो फिर तुम मुझे रोक नहीं सकती। मैं सुनील को सब बता दूंगी। कोई फायदा, मैं सुनील का मामा हूँ, मामा विश्वास नहीं करेगा वो तुम पर। सुनील, सुनील, सुनील! हाँ बिंदी कहाँ हो तुम? अरे तुम यहाँ हो, क्या हुआ? अरे मामा आप
अच्छा सुनो बेटा, तू आ गया। मैंने देखा ये अकेली काम कर रही थी, मैंने सोचा इसकी मदद कर दूं, लेकिन इसे सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए। ले संभाल अपनी बीवी को, मैं चला। क्या हुआ बिंदी, और ये क्या हाल बना रखा है? वो पानी का बाल्टी लेके फिसल गई थी, मैं पानी भरना। यार ये सब काम के लिए मुझे बोल दिया करो, मैं कर दूंगा। क्या चाहिए? पानी चाहिए ना, मैं दे देता हूँ, रुको। रिया बेटा तू चिंता मत कर, मैंने ना कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, इन्हें तू रख ले। और दामाजी से कहना कि मैंने 2 महीने में और पैसों का बंदोबस्त करूंगी। फिर से पिंपल हो गया, तो वैसी शादी नहीं हो रही है। रिंकी 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। तुमने इसमें नींबू डाला है? हाँ, नींबू, शहद और मुल्तानी मिर्च। तुमको माँ ने मना किया था ना, फिर भी कितनी बेशरम हो यार तुम। कि बेटा कुछ भी बताया तो वो विश्वास नहीं करेगा, बल्कि बदनामी तुम्हारी हो। बिंदी तुम यहां क्या कर रही हो, और ये दरवाजा बाहर से क्यों बंद था? मैं तो माजी का कमरा साफ करने आई थी, पता नहीं शायद ने बंद कर दिया गलती से। ठीक है चलो। दीदी मैं सुनील के रहते हुए कुछ नहीं कर सकता। तो अब क्या करें? आप सुनील को किसी बहाने बाहर भेज दो। ठीक है। सुनील। हाँ मम्मी। जी जी मम्मी। बेटा अब यहीं रहेगा क्या? तू तो पक्का जोरू का गुलाम हो गया है ना? थोड़ा बहुत कामकाज पे भी ध्यान दे दे बेटा, देख घर में जवान बहन है, समझ रहे ना मैं क्या बोल रही हूँ? भैया देखो मुझे शादी ना धूमधाम से करनी है, मुझे प्रिया दीदी की तरह किसी से ताना नहीं सुनना है कोई। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं आज ही शहर में चला जाता हूँ। वो तो ठीक है, पर जाने के पहले ना अपनी बीवी को कुछ समझा के जाना, उसे हमारी बात तो समझ नहीं आती। इतनी बेशरम है कि 1000 बार उसे कह दिया है कि नींबू को हाथ मत लगा, फिर भी हर रोज नींबू खराब कर देती है। सुनील ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? एक बार मैं तुम्हें शहर जरूर लेके जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम यहीं रहो और मम्मी का हाथ बटाओ घर के कामों में, तुम्हारा फर्ज है ना ये। और हाँ अगर तुम यहीं रहोगी तो मम्मी का दिल भी जीत लोगी, है ना? अरे और हाँ नींबू को हाथ मत लगाना, मम्मी गुस्सा करती है ना। सुनील तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं बचपन से नींबू के साथ हूँ, नींबू के गुण है मुझ में। मैं फिर भी कोशिश करूंगी,
कोशिश करना। चलो फोन करूंगा। तुम भी ना दीदी, कमाल। अरे बिंदी, आज तू बाहर सो जा, रात भर मैं और पूरन कुछ बातें करेंगे। दीदी बस अब तू देखती जा मैं क्या करता। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी आँख, दीदी, दीदी देखो इसने मेरी आँखों का ख्याल कर दिया। भिखारी की बेटी, तुझमें इतनी हिम्मत नहीं माँ जी, ये मुझसे बदतमीजी कर रहे थे। चरित्रहीन लड़की, मेरा बेटा नजरों से दूर हुआ नहीं कि तुझे दूसरा मर्द चाहिए। हाँ नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही। सब समझ रही हूँ, अब तू मेरे घर से निकल, चल निकल यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, मैं यहाँ पर ही रहूंगी और सुनील को सब कुछ बता दूंगी। सुनील, तेरी बीवी चरित्रहीन है, तू यहाँ कर देख तो सही कि वो क्या क्या गुल खिला रही है। हमारे परिवार का नाम खराब कर रही है, बदनाम कर रही है हमारे परिवार के नाम को। मुझे ऐसी बहू घर में नहीं चाहिए। सुनील, तेरी बीवी की करतूतें हमसे छिपी नहीं है। अरे जब तू घर पे नहीं होता है ना, तब वो पूरन के साथ। भैया, अगर घर की ऐसी बदनामी होगी तो मेरी शादी फिर कैसे होगी? तुम्हें कुछ कहना है? सुनील, माँ जी और इनकी दोनों झूठ बोल रहे, एकदम झूठ। सच तो ये है कि ये आदमी मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। पूरन मामा, आप यहां से जा सकते हो और दोबारा इस घर में आने की जरूरत नहीं है। सुने, ये तू क्या कह रहा है? मेरा भाई पूरन कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं बिंदी को लेकर शहर जा रहा हूं। सुनील, सुनील, बहू मेरे घर छोड़ के मत जा बेटा, अपना घर छोड़ के मत जा बेटा। सुनील, सुनील अपनी माँ को छोड़ के मत जा बेटा, मत जा। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, आईंदा नहीं करूंगी। अपनी माँ को छोड़ के मत जा बेटा। बिंदी, सुनील, बिंदी ना मेरी बहू नहीं, मैं इसे अपनी बेटी बना के रखूंगी। जा, जा तू मेरे घर से, जा निकल मेरे घर से, निकल मेरे घर पे वापस लौट कर कभी मत आना। सुन, सुन मुझे माफ कर दे बेटा, देख मैंने पूरन को भी निकाल दिया। अभी बिंदी मुझे माफ नहीं करेगी, एक माँ को उसके बेटे से अलग करेगी, तो मुझे मेरे बेटे से अलग मत कर, मैं नहीं जी पाऊंगी इसके बिना। सुनील मुझे माफ कर दे। मजा मत रो,
मैं कहीं नहीं जा रहा। मेरा बच्चा डॉक्टर ने बोला है ये बिंदी कभी मां नहीं बन सकती और इसकी बीमारी की वजह से इसका बच्चा गिरा है। बिंदी क्या ये सच है? क्या ये सच है? क्राइम अलर्ट, जुर्म की कहानी, खुद की जुबानी। सुनील मुझे शहर लेकर चलो ना। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? अब मम्मी सुधर चुकी है, अब वैसे भी मैं हर 10-15 दिन में आता जाता रहूंगा ना, ठीक है? अब तो हंस दो, हंसने के कोई पैसे नहीं लगते। रिंकी मैंने कुछ सोचा है, इस लड़की को तो मैं ऐसी जगह पहुंचाऊंगी जहां से वापस कभी ना आए। सुनील बेटा रिंकी के लिए ना एक बहुत ही बड़े घर से रिश्ता आया है। अच्छा? हाँ, और वो लोग 5 लाख नगद मांग रहे हैं। 5 लाख? हाँ। मम्मी इतनी बड़ी रकम कहाँ से इंतजाम करेंगे? जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ, फिर प्रिया जैसी इसकी भी हालत होगी। तुम चुप रहो। भैया मुझे ना लड़का बहुत पसंद है, प्लीज कुछ करो। अच्छा ठीक, तुझे पसंद है ना? हाँ। इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। पक्का? पक्का। मैं तो बाप बन गया। अरे मैं बाप बनने वाला हूँ। एक मिनट। बिंदी तुमने घर में किसी को बताया अभी तक? नहीं अभी तक तो नहीं बताया, बाद में बताते। भैया को बच्चा हो रहा है? नहीं, मेरी शादी कैसे होगी? तो भैया सिर्फ अपनी बीवी और अपने बच्चे पे पूरा पैसा लुटाएंगे। नहीं नहीं ये मैं नहीं दे सकती। बिंदी 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 हम लोग को भी बहुत सारी तैयारियां भी करनी होगी, है ना? आजा। पता है सुनील, आज ना मुझे माजी ने कुछ बनाने ही नहीं दिया खाने में, ये सब खाना उन्होंने ही बनाया, इसीलिए ना मैं भी उनके लिए कुछ खास लेकर आई हूँ। क्या? नींबू का अचार। अरे वाह, आज तो सब लोग समय से आगे खाना खाने के लिए। चलो आज हमारी बिंदी बिटिया भी बैठकर खाना खाएगी। नहीं नहीं माँ जी, आप बैठिए ना, मैं परोसती हूँ। अरे नहीं बिल्कुल नहीं, मैं परोसूंगी। आओ बैठो तुम। अरे बहू ये क्या कर रहे हो तुम? देर गई तो कुछ हो जाएगा बेटा। हाँ बस माँ जी हो ही गया। अरे अरे डॉक्टर जल्दी करो। अफसोस बच्चा नहीं रहा। लेकिन मैम ये हुआ कैसे? गिरी थी क्या वो? नहीं मैम, गिरी तो नहीं थी। बिंदी संभाल के सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, आप लोग यंग हो, आप लोग फिर से बेबी प्लान कर सकते हो। इसे घर ले जा सकते हैं क्या? जी जी आप उनको लेके जा सकते हो, लेकिन उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना। इसे संभाल के बैठो। वो कैसी है?
हाँ ठीक तो है, और बच्चा कैसा है, वो ठीक है? जी हेलो, जी जी मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल मुझे जाना होगा, साहेब का फोन था, तुरंत बुला रहे हैं। तुम अकेले सब संभाल लोगी ना? कल सोनोग्राफी भी करवाने जाना है, सोनोग्राफी करके डॉक्टर को भी दिखाना। तुम कर लोगी ना सब अकेले? मैं संभाल लूंगी, तुम जाओ, काम जरूरी है। हम सब हैं ना बेटा, प्रिया भी आ जाएगी, रिंकी है, मैं हूं, हम सब हैं उसके साथ। तुम चिंता मत करो, निश्चिंत जाओ बेटा। उस दिन हरी सब्जी बनाई थी ना, उसमें पपीता पीस कर डाल दिया था मैंने, बस ये कमाल पपीते का है। इन्होंने हमारे बच्चे को मार दिया। तुम ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकती हो? अपने बहू का बच्चा गिरा दिया, अपने ही बच की हत्या कर दी तुमने। सुनील, बिंदी झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया बेटा। उसके पास क्या सबूत है हा? और तू अपनी माँ पर विश्वास नहीं करके उस पराई लड़की पर विश्वास कर रहा है। माँ भी झूठ बोल रही है, वो शहर जाके अकेले रहना चाहती है, इसलिए माँ पे झूठे लांछन लगा रही है भैया वो। सुनील, रिंकी सही कह रही है बेटा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो ये सब बोलकर ना मुझे छोटा साबित करना चाहती है, ताकि वो तेरे में अकेले खुश रह सके। उसे हमारे साथ नहीं रहना बेटा। मम्मी सच बोल रही है, डॉक्टर ने बोला है ये बिंदी कभी मां नहीं बन सकती, और इसकी बीमारी की वजह से इसका बच्चा गिरा है। बिंदी क्या ये सच है? क्या ये सच है? मतलब शायद ऐसा हो सकता है कि ओवरी के सिस्ट की वजह से बच्चा गिर गया, लेकिन सुनी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पे झूठा इल्जाम लगाने की? आ? आज के बाद दोबारा मुझसे कभी बात मत करना है। बाप बन गया, अरे मैं बाप बनने वाला हूं। कर आयो सुनील, सुबह जो भी हुआ ना वो सच नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं मां नहीं बन सकती, मेरा यकीन करो। रेड, मम्मी सही कहती थी तेरे बारे में, तू ही बीमार है, तेरे कारण बच्चा गिर गया। सुनील ऐसा नहीं है, मेरी वजह से नहीं गिरा है बच्चा।
तूने मेरी मम्मी के बारे में झूठ बोला ना? नहीं सुनी। क्या समझता था मैं तुझे, और तू क्या निकली? तू अकेले रहना चाहती है ना? अब तू यही रहेगी, सड़ेगी तू यहाँ। मैं तुझे शहर कभी नहीं लेके जाऊंगा, और मैं तुझसे कभी मिलने भी नहीं आऊंगा। सुनील प्लीज रुक जाओ ना। सुनील प्लीज सुन लो ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मुझे छोड़कर मत जाओ। सुनील भैया, तुझसे प्यार नहीं करते। फिर तुम माँ नहीं बन सकती ना, तू पांच निकल जा मेरे भाई की जिंदगी से। चल ललिका। माँ जी कहाँ जाऊंगी मैं, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, मैं यही रहूंगी। अगर यहाँ से जाएगी तो सिर्फ मेरी अर्थी। ठीक है, यही सही, तेरी अर्थी इसी घर से निकलेगी और मैं मेरे बेटे की दूसरी शादी करूंगी। अरे इसे क्या हुआ? अब तू ही कुछ कर पूरा। तू चिंता मत कर दीदी, इस बार मैं ऐसा अचूक प्लान सोच के आया हूं, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जिस नींबू से उसे इतना प्यार है वही उसका काल बनेगा। ये किसने किया? हाथ मेरे लाओ। अरे नींबू मिला है। अरे घर के बाहर कौन कर रहा है ये टोना टोटका? अरे कौन कर रहा है ये जादू टोना? ये सब जरूर मेरी बहू बिंदी ने किया होगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म की कहानी, खुद की जुबानी। यहाँ का मंदिर ना बहुत जागरूक है, सबकी मनोकामना पूरी होती है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बच्चे भी जरूर होंगे। देख बच्चा हो ना हो, लेकिन मेरी मम्मी और परिवार की इज्जत करना सीख जा पहले तू। सुनील आज तुम सब भूल गए, एक दिन तुम मुझसे कितना प्यार करते थे, मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे, तुम सब भूल गए। देख फिजूल की बात सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। सुनील प्लीज एक बार आ जाओ ना, 2 महीने हो गए तुमसे मिले हुए, प्लीज आ जाओ। बिंदी क्यों रो रही हो? सुनील मुझसे छुटकारा पाना चाहता है शायद। बस बच्चे हो जाते ना तो जिंदगी सब सही चलती, अब तो सुनील मेरे पास तक नहीं आता। आज जिंदा हूं, कल शायद नहीं रहूंगी। हर रोज मौत मेरे दरवाजे पर आकर खटखटाती है। तुम पुलिस को क्यों नहीं बोलती हो बिंदी? ससुराल वालों को बदनाम नहीं करना चाहती ना मैं, पर अब शायद यही करना पड़ेगा। मैंने अपनी कहानी इसमें रिकॉर्ड की है, तुम्हें भेजती हूँ। अगर मुझे कुछ होता है तो तुम प्लीज सुनील को ये पहुंचा देना। अरे ये किसने किया? हाय मेरे राम, ये जादू टोना किसने किया? अरे नींबू मिला है। अरे घर के बाहर कौन कर रहा है ये टोना टोटका? दरवाजे पे भी नींबू है। अरे इनके तुम्हारे भी है क्या? हाँ। अरे कौन कर रहा है ये जादू टोना? ये सब जरूर मेरी बहू बिंदी ने किया होगा, उसे नींबू से बहुत प्यार है ना, क्या ना नींबू से टोटका करना बड़ा आसान है, खुद की औलाद तो है नहीं इसलिए दूसरों के बच्चों पर टोटका करती रहती है। दूसरों के बच्चे मरेंगे तभी तो खुद के जनेंगे वो। तो इमली चाची उसको घर में क्यों रखती हो, मार के भगाओ उसे। हाँ चाची, ऐसे को क्यों रखा हुआ है घर में, निकाल दो उसे यहाँ से। चलो 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 चलो। तूने फिर से नींबू चुराया? ये मेरे
बाजार से खरीद कर लाया है। क्यों? टोना टोटका करेगी, हमको मारेगी चुड़ैल। डायन, मेरे परिवार को खाएगी तू? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, देख तू। इसको इतना मारो ना कि टोना टोटका करने का चुल छूट जाए। डायन कहेगी, मारो इसे, मारो मारो इसे, मारो। सही मौका इसे कुएं में फेंक देते हैं। लेकिन भागे क्योंकि बच्चा नहीं हो रहा था। लेकिन सुनील को बोल देंगे ना हम लोग। पकड़ो उसे। ये आपकी पत्नी है? जी सर। और ये दोनों कौन? हमारी मम्मी और बहन है। किसने किया ये सब? मौका है वारदात पर कौन कौन था? इन लोगों ने मिलकर मारा है इसे, और इसका मुंह बोला भाई पूरन, तीनों ने मिलकर मारा है इस बेचारी को। हमने कुछ नहीं किया इसके साथ, ये तो चौखट से टकरा के गिर गई और मर गई। वो तो हमें पता चली जाएगा। लाश को बोरी में किसने भरा? वो पुरान, उसे पूछो, उसे। सच सच बोलिए आप लोग, आप लोगों ने मारा ना इनको? ये रहा सबूत, कैसे इन दोनों ने बिंदी को टॉर्चर करके मारा है। उसकी अपनी कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ले चलो इन्हें लॉकअप में, लाश को एम्बुलेंस में डालो। बिंदी!